आत्मा ने खुद बताया है कि उसे कैसे मारा गया है। ये एक सच्ची कहानी है, इंस्पेक्टर आगा और एक आत्मा की। आत्मा ने पुलिस के सामने आकर कैसे बताया कि उसे किसने और क्यों मारा है। ये सच्ची घटना उस वक्त की है जब भारत पर ब्रिटिश शासन का कब्जा था। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ आएगा इस खतरनाक आत्मा के बारे में। ब्रिटिश शासन काल के समय एक अंग्रेज ड्यूटी कलेक्टर मी किंग ने भारत में रहते समय के ये बातें बताई। ये कहानी है जनवरी 1937 की। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन का राज था। केंद्र सरकार की एक भारतीय अधिकारी जिसका नाम श्री रामास्वामी था, उसका पोस्टिंग शिमला में हुआ। उसके रहने के लिए उसे एक बंगला दिया गया। बंगला में पहली रात को रामास्वामी सोने के लिए गया। जैसे ही वो सोए उसके सामने एक औरत की छाया यानी शैडो दिखाई दिया और उसके साथ ही एक घंटी बजी। उस आत्मा को देखने की दूसरे दिन बाद ही वो पुलिस अधिकारी उस बंगले को छोड़कर भाग गए। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलर्ट कर दिया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय सफेद पोश महिला दिखाई दी और घंटी की आवाज उसके कानों के साथ बंगला में गूंज उठी और महिला की जोर जोर से रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चिल्लाते हुए उस बंगले को छोड़कर भाग गया। मुस्लिम अधिकारी वहां से भाग जाने के बाद अपने से बड़े अधिकारियों को ये सारी बातें बताई। ये बातें सुनने के बाद किसी को विश्वास नहीं हुआ। एक इंस्पेक्टर ने अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर गया। रात के ठीक 12 बजे वही सफेद पोश महिला ऊंची एरी की चप्पल पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके साथ फिर वही घंटी बजी और वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। ये मंजर देखने के बाद इंस्पेक्टर का होशो हवास उड़ गया। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग गए। इस घटना से शिमला ही नहीं बल्कि दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गए। मौजूदा सरकार ने इस मामले को अच्छे से समझने के लिए जाँच का फरमान जारी किया और दिल्ली से भूतों का कुछ कुछ जानकारी रखने वाला इंस्पेक्टर श्री आगा को कुछ सिपाही के साथ शिमला जाकर उस बंगले की छानबीन करने की इजाजत दी। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया और खुद भी डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा के कुर्सी पर बैठते ही एक अद्भुत बिल्ली उसके पास से उछल कूद मचाते हुए कमरे में ही गायब हो गए। वो डर तो गए लेकिन हिम्मत जुटाकर अपना रिवॉल्वर भर कर चौकन्ना होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफेद पोश महिला की साया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि साया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक और चरित्रवान अधिकारी लगते हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण का गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए और नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ, क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मेरी मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी शुरू किया। मैं एक पहाड़ी लड़की थी, शादी से पहले मेरा नाम ओबेरी थी। मेरी माँ वैश्य का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के आईजी नाम का एक लड़का मेरे ओर आकर्षित हुआ। उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। आईजी और मेरी दोस्ती
धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। माँ की मना करने के बाद भी मैंने और आइजिक ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आइजिक का ही था और हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वैश्या बनाना चाहती थी, लेकिन मैं वैश्या नहीं बनना चाहती थी। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? साया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई, तो मेरी माँ ने आइजिक से संबंध तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि मेरी माँ की नज़र में पैसा ही सब कुछ था। मेरे लिए आइजिक का प्यार ही सब कुछ था। मैंने माँ की बात नहीं मानी। इसी दरमियान आइजिक के पिता का खत आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उससे बातचीत करके जाने के लिए कहा और वो चला गया। मैं बंगले में अकेले रहने लगी। लगभग 2 महीना बाद आइजिक वापस आया और मुझसे प्यार करते हुए मेरे पास आया और चुम्बन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल डालकर हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? साया ने कहा, हाँ सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी हुई है। प्लास्टर को तोड़ने के बाद एक बड़ा पत्थर आपको दिखेगा। पत्थर को हटाने पर आपको मेरी लाश मिल जाएगी। आईजी का रुमाल और जेब का कुछ सामान भी उसी में गड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आईजी पर मुकदमा चलाकर उसे मौत की सजा सुनाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव मदद करूँगी। इतना कहकर वो साया गायब हो गया। इंस्पेक्टर आगा ने ओबेडी के बातों को एक डायरी में लिख लिया और जाकर अपने सभी बड़े अधिकारियों को सारी सच्चाई सुनाई। फौरन इस बात की सच्चाई को जानने के लिए एक मजिस्ट्रेट को साथ लेकर खुदाई शुरू कर दी गई। जो बातें ओबेडी की आत्मा ने इंस्पेक्टर आगा को कहा था, खुदाई करने पर शादीशुदा महिला की लाश मिली, साथ में एक रुमाल जिससे उसके गला को दबाकर मारा गया था, साथ ही कुछ और चीजें मिले। पुलिस को ये सभी सबूत मिलने के बाद आइजिक पर मर्डर करने के लिए FIR दर्ज कराया गया। मुकदमे में आइजिक के वकील ने कहा, अगर इसे इंस्पेक्टर आगा ने नोट किया है तो ओबेडी का हस्ताक्षर इसमें क्यों नहीं है? यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा ने कोर्ट से समय मांगा और दूसरे दिन उस बंगले में जाकर ओबेडी की साया का वेट करने लगा। लेकिन ओबेडी की साया पहले से ही बंगले में मौजूद थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज टेबल पर रख दीजिए, हस्ताक्षर मैं कर देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहने पर कागज को टेबल पर रख दिया और वो देखता रहा। कागज पर देखते ही देखते उसका सिग्नेचर लिख गया, मैं बयान देती हूँ कि मैं जो बात इंस्पेक्टर के समक्ष दिए है वे मेरे ही है, उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर है। और इस तरह उसने अपने हस्ताक्षर कर दिए। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील और जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में भी बंद थी, ओबेडी के बयानों में भी पाए थे। आईजी के वकील ने कहा जज से, अगर ये हस्ताक्षर ओबेडी की है तो कोर्ट में आकर वो कहे कि हस्ताक्षर उसी की है, या कोई ऐसा सबूत दे कि जिसे पता चल सके कि ये हस्ताक्षर ओबेडी की ही है। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में ओबेडी से मिलने गया और उसे सारी बात बताई, तो ओबेडी ने बताया बॉम्बे से उसके पिता ने जो खत भेजा था, मेरे और आईजी की मैरिज सर्टिफिकेट भी इसी बंगले में है। ओबेडी ने यह भी बताया कि आईजी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा और फर्जी खत था, आईजी ने मुझसे नाता तोड़ने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आईजी के नाम का जाली खत और मैरिज सर्टिफिकेट का सारे कागजात पेश कर दिए। आईजी ना तो यह साबित कर पाया कि उसने ओबेडी को तलाक दिया था, ना ही ये बता सका कि अभी ओबेडी कहाँ है। लास्ट में आईजिक ने अपना अपराध कबूल किया और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जिस दिन कोर्ट ने आईजिक को सजाए मौत का घोषणा किया, उसी दिन इंस्पेक्टर आगा बंगले में गया।
जब वो ओबेडी की आने का इंतजार कर रहे थे तभी अचानक उसे नींद आ गया और उसे सपने में ओबेडी की साया दिखाई दिया। ओबेडी की साया ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है और अब मैं साया शरीर से मुक्त हो रही हूँ और मैं भविष्य में कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है इस एहसान का बदला मैं चुका नहीं सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोलकर निकाल ले और अपनी धर्म पत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दे। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने उस जगह को खुदवाया और उसे उस जगह पर से सोने चांदी की 40,000 रुपये की लगभग गहने मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाना में जमा करा दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी और सफल प्रयास के पुरस्कार स्वरूप वहाँ पूरी संपत्ति उन्हें दे दी। दोस्तों, क्या आप विश्वास करते हैं कि आत्माएं होती है? इस बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इस एक वीडियो को बनने में हमें कई दिन लगता है, लेकिन हम फिर भी आपके लिए जानकारियों से भरा वीडियो लेकर आते हैं। इसके बदले हम आपसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ही तो बोलते हैं। कर दो यार, सब्सक्राइब करना फ्री है।